शैतवान वजीम बिस्मिल्लाह के रहमान रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी से आपको मिल सके। और अगर आप इस्तखारा करवाना चाहते हैं या अमलियात में कदम रखना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले इस्तखारा करवाएं, और इस्तखारे की ईमेल आपको सेंड कर दी गई है हर वीडियो में, आप वहां से बआसानी ले सकते हैं। ये तो आप कमेंट्स बॉक्स में बात करके भी ईमेल हासिल कर सकते हैं। आज की सबसे प्यारी अहादीस की तरफ चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी जुबान को पकड़े रखो। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो कुछ बोलते हैं क्या इस पर हमारी गिरफ्त होगी? आप ने फरमाया, ए मुआद, अल्लाह तुम्हारा भला करे, जहन्नुम में लोग ज्यादातर अपनी जुबान के गलत अल्फाज की वजह से औंधे मुंह गिरे पड़े होंगे। इस हदीस का छोटा सा मफहूम यह है कि अपनी जुबान को, क्योंकि एक जुबान ही है जो इंसान को दूर तक ले जाती है। इंसान का कोई और जिस्म, हाथ पांव काम तब करते हैं जब जुबान बोलती है। अगर किसी का कत्ल भी करना हो तो अल्फाज की सख्ती से बासानी कत्ल किया जा सकता है, ठीक है? तो इसीलिए आप अपनी जुबान को अगर आपने अपने काबू में रख लिया तो समझ लें आपकी जिंदगी और आखिरत दुनिया दोनों सवर गई। इसी के साथ आज के सबसे प्यारे वजाइफ की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा वजीफा है, बहुत ज्यादा फरमाइश पर पेश किए जाने वाले वजीफों में आपके साथ एक मैं ऐसा वजीफा बताने लगी हूं कि जो आपके प्यारे हैं, जो आपसे दूर जा चुके हैं, जो आपके बहुत अजीज हैं और आपसे नाराज हैं और रूठ गए हैं, आप उनको मनाना चाहते हो, रूठे हुओं को मनाने के लिए वजीफा करें। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो, बहुत दिल से उसकी इज्जत भी करते हो, तो फिर ये वजीफा करें। शरीयत के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करें। दिलों में मोहब्बत को पैदा करने के लिए वजीफा किया जाता है। जो आज मैं तरीका आपको समझाऊंगी, आपको सिर्फ उसकी समझ आ जाए तो क्या ही बात है, गलत उसका कभी इस्तेमाल ना कीजिएगा। जो आज मैं लफ्ज आपको बताने लगी हूं, लफ्ज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या समद, ठीक है? इसके बाद आप लिखेंगे फला बिन फला। अब फला कौन है? फला जो आप हैं, बिन जिसकी आप औलाद हैं, अपनी यानी वालदा का नाम वो भी आप साथ लेंगे, ठीक है? अब उसके बाद अलल हुब, मतलब कि आप किसके लिए कर रहे हैं? फला बिन फला वो कौन है? जैसे आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखा तो अलल हुब के बाद फला जब लिखेंगे तो उसका नाम लिखिएगा और साथ में उसकी वालदा का नाम फला बिन फला का नाम लिखिएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में बात कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अरूजे माँ बरोज जुम्मे के दिन आपने ये पहले लिखना है, लिख कर आपने अपनी बाजू पर बांधना है, सीधी बाजू पर। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 111 मरतबा आपने ये जो दुआ है जो मैंने आपको बताई है ये पढ़कर, अगर तो आप तसव्वुर कायम कर सकते हैं तो तसव्वुर में लाकर उन पे दम करें, या फिर आप उनको, उनकी अगर कोई तस्वीर है तो आप उस पर भी दम कर सकते हैं 7 मरतबा। आप यकीन माने ये एक ऐसा प्यारा वजीफा है कि आपकी सोच है, आप एक दफा करके देखें। 3 दिन के अंदर अंदर आपके जिससे भी आप चाहत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, वो हाजिर हो जाएगा इंशाल्लाह। हम आपके साथ भरपूर साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमसे इस्तखारा वगैरह करवाना चाहते हैं तो जरूर तशरीफ लाएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।